एंड बाल दोस्तों भरत मिलाप इकाई का हम दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरे दृश्य में भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। तो इस प्रकार भरत रोते हुए भगवान राम से क्षमा याचना करते हुए अपनी जो बात है वह बताता है। भरत को अपनी माँ के कर्तृत्व पर बड़ी ग्लानि हो रही है और वह अपने आप को दोषी समझ रहा है और इसीलिए भगवान प्रभु श्री राम से वह क्षमा याचना करता है और उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए और राज्य संभालने के लिए आग्रहित करता है। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तभी एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक ने कहा। तब भगवान राम ने उसे समझाते हुए कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भगवान राम ने जो अपनी इच्छा थी, अपने मन में जो था, वह व्यक्त कर दिया नगरजनों के सामने और कह दिया कि यह मेरा आदेश है। भला प्रभु का जो आदेश है वह कौन टाल सकता है। भरत ने कहा कुछ सोच कर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। भरत ने कहा, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दो। खड़ाऊ मानी क्या, जो चप्पल होती है लकड़े की, उसे खड़ाऊ कहते हैं। राम ने कहा, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भरत का राम के प्रति प्रेम और राम का भरत के प्रति प्रेम, एक भातृभाव यहाँ व्यक्त हुआ है वह हम देख सकते हैं। श्रेष्ठ भातृभाव की भावना यहाँ हमें देखने को मिली।